दोस्तों, हमेशा अपने कपड़ों और बयानबाजी से सभी को हैरान कर देने वाली उर्फी जावेद ने सभी को सन कर दिया है। उर्फी जावेद ने इस बार अपनी कोई तस्वीर या वीडियो पोस्ट नहीं की, बल्कि उनके साथ हुई आपबीती बताई है। उर्फी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और कहा है कि एक शख्स उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था, वह उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल कर रहा था। उर्फी का दावा है कि शख्स ने उनसे वीडियो सेक्स के लिए कहा। उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज भी करवाई है, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उर्फी ने बताया कि शख्स पंजाब इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इसके साथ ही उर्फी ने चैट के स्क्रीनशॉट और शख्स की फोटो भी शेयर की है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि तो ये वो इंसान है जो मुझे काफी लंबे समय से हरेस कर रहा है और अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2 साल पहले किसी ने एक फोटो पर मेरा चेहरा मॉर्फ करके उसे सब जगह बांट दिया था। मैंने 2 साल पहले ही पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा झेलना पड़ गया। इसके साथ ही मैंने इससे रिलेटेड एक पोस्ट भी अपने प्रोफाइल पर शेयर किया था, जिसको इस शख्स ने अपने पास रख लिया था और इसके बिना पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैंने उसके साथ फोन पर अश्लील बातें करूं और उनका दिल बहलाऊं, वरना वो मेरी फोटो हर जगह बॉलीवुड पेज और साइट्स पर अपलोड करके मेरा करियर तबाह कर देगा। जी हाँ, उसने मुझे साइबर रेप करने की धमकी दी। पर मुझे दुख उसकी इस हरकत से ज्यादा इस बात का है कि जब मैंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में फर्स्ट FIR दर्ज करवाई थी तो 14 दिन बीतने के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखद बात थी, क्योंकि मैंने मुंबई पुलिस के लिए ढेर सारी तारीफें सुन रखी थी, पर इस आदमी की तरफ से उनके रवैये से मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया। पुलिस को सब कुछ बताने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसी बदसलूकी की होगी, पर फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहरहाल, ये आदमी समाज और लड़कियों के लिए किसी दरिंदे से कम नहीं, जिसे खुलेआम घूमने का हक बिल्कुल नहीं है। आखिरी फोटो जो इसके दोस्त की है, जिसका नाम किशोर है, मैंने उसकी बहन के साथ, जिसका नाम आशना किशोर है, पहले काम कर रखा है और जब मैंने उनसे इस बारे में बात करना चाहा एक एक प्रूफ के साथ, तो उन्होंने सीधे सीधे मेरी बात को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं और वो सारी 50 लड़कियां झूठ बोल रही हैं और बेवजह अफवाहें फैला रही हैं। और जिस भी रात वो दरिंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा होता था, ये उसके साथ बैठकर चिल कर रही होती थी। मैंने कई बार उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, पर मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही पुलिस की तरफ से मामले को लेकर कोई बातचीत का जिक्र। मैं आप सबसे इस पोस्ट के जरिए बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि इस आदमी से बचकर रहें, जो खुलेआम पंजाब इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और फिर जावेद के इस पोस्ट के सामने आते ही मानो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो शख्स पंजाब इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।